मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नया डिश दिखाऊंगी, ब्रेड पकौड़ा। आइए देखते हैं उसे कैसे बनाया जाए। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिया है 4 उबले हुए आलू, मीडियम साइज के हैं 4 से 5, थोड़ा सा धनिया, 4-5 कड़ी पत्ते और 1 कप बेसन लिया है, 100 ग्राम पनीर लिया है, 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, गैस चालू किया है मीडियम साइज, उसमें तेल डालूंगी 2 चम्मच। आलू का मसाला बना रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा 1 चम्मच और 4-5 कड़ी पत्ते। उसके बाद मैंने जो आलू लिए थे वो मैंने हाथ से मसल लिए हैं। इनको अच्छे से भून लेंगे। अभी मेरे आलू थोड़ा भून चुके हैं, इसमें मैं मसाला डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची। अगर बच्चों को खिलाना है तो मिर्ची पाउडर कम डालें, आप लोग इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच। नमक है 1/2 चम्मच, आप लोग अपना स्वाद अनुसार डालें नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, गैस एकदम स्लो रहेगा। अभी मेरे आलू सब मिक्स हो चुके हैं, मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं गैस बंद कर लूँगी, मेरा मसाला बन चुका है। अभी मैं बेसन का घोल बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा के लिए। इसमें अभी मैं मसाले ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, आप लोग अपना स्वाद अनुसार डालें। अभी मैं सबको मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें मैं धीरे धीरे पानी डालूंगी, 1 कप पानी लिया है मैंने। एक अच्छा सा घोल बना लेंगे, एकदम पतला भी नहीं करना है घोल को। ये देखिए दोस्तों, मैंने बेसन का घोल बना दिया है, न पतला है न ज़्यादा जाड़ा है, एकदम ऐसा बनाना है, एकदम गांठ नहीं है बेसन में। मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें तलने के लिए तेल डालूंगी। अभी मैं ब्रेड के अंदर मसाला भरूंगी, मेरा मसाला ठंडा हो चुका है। पनीर के मैंने स्लाइस बनाए हैं, ये देखिए इतना जाड़ा मोटा करना है। और अभी मैं इनके अंदर ऐसे आलू लेके पूरा ब्रेड में लगा लेना है। अभी मैं दूसरे ब्रेड में भी लगा लूँगी, दोनों साइड लगाना है मसाला। और बहुत टेस्टी बनते हैं ये ब्रेड पकौड़े, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। फिर इसमें मैं ये पनीर का स्लाइस रखूंगी बीच में और ऐसे इसको बंद कर लूंगी, इसको ज़ोर से प्रेस कर लूंगी, सब चिपकना चाहिए। पूरा अच्छे से लॉक करना है, ये देखिए। मैंने दोनों बना लिए हैं, ऐसे लॉक करना है सबको। ऐसे बेसन में अच्छी तरह से बेसन लगा लेना है
दोनों साइड। ये मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे आराम से डालें, इसके ऊपर से भी तेल डाल रहे हैं, बेसन सब। अभी मैं इसको पलटी मारूंगी, दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। हो गया है ब्रेड पकौड़ा तैयार। मैंने एक प्लेट में टिश्यू पर रखा है। ये देखिए कितना कुरकुरा बना है, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। अभी मैं काट के दिखाती हूँ और प्लेटिंग देखें। ये मेरा प्लेटिंग हो चुका है। आप लोग इसको सॉस के साथ खाएं, थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना दूँ, चटनी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन भी दबाएं साथ में।